भूतादि पीड़ा नाशक विधि सुनिए मित्रों। पौष कृष्ण दशमी के दिन निराहार रहकर इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक 1008 बार जप करें और उसके बाद आवश्यकता अनुसार भूतादि के समय जब आपको लग रहा है कि कोई ऐसी दुष्ट आत्मा है जिसके प्रभाव में आप आ रहे हैं, तो उस समय इस मंत्र का 7 बार स्मरण करने से तत्काल लाभ मिल जाएगा। मंत्र को पढ़ने से स्तोत्र श्लोक पढ़ना होगा, उसके बाद रीति मंत्र, और उसके बाद जाकर आपको मूल मंत्र का जाप करना होगा। तो स्तोत्र श्लोक में पढ़ रहा हूँ, धन्यास एव भवनाधिपये त्रिसंधे माराधयंती विधव द्विधुतान्ये कृत्याह भक्त्योल्य सत्पुलक पक्षमल देह देशाह पादद्वयम् तव विभो भुवि जन्म भाजः। इसके बाद मैं रिद्धि मंत्र पढ़ रहा हूँ, ओम ह्रीम अरहम नमो भूताबाहा वहारण्याम विठोस हिपत्ताणम, और इसके बाद मूल मंत्र ओम नमो अरिहंताणम ओम नमो भगवही महाविज्जाय सत्तट्ठाये मोर हुलु हुलु चुलु चुलु मयूरवाहिनी स्वाह ओम ह्रीम त्रिकाल पूजनीयाय श्री जिनाय नमः। इसके गुण सुनिए मित्रों, इससे भूत पिशाच राक्षस डाकिनी शाकिनी आदि की पीड़ा तथा शत्रु व्याधि नष्ट हो जाते हैं। भूतादि पीड़ा नाशक विधि सुनिए मित्रों। पौष कृष्ण दशमी के दिन